जय श्री कृष्ण साथियों, एपीजी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्ण ने अमोघ शक्ति अर्जुन के लिए रखी थी, मजबूरी में चलानी पड़ी घटोत्कच के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। युद्ध में जब घटोत्कच ने कौरवों की सेना को कुचलना शुरू किया तो दुर्योधन घबरा गया और ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब कृष्ण ने कर्ण से कहा कि आपके पास तो अमोघ अस्त्र हैं जिसके प्रयोग से कोई बच नहीं सकता, तो आप उसे क्यों नहीं चलाते। कर्ण कहने लगा, नहीं, यह अस्त्र तो मैंने अर्जुन के लिए बचा कर रखा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन पर तो तुम तब चलाओगे जब ये कौरव सेना बचेगी, ये दुर्योधन बचेगा। जब ये सभी घटोत्कच के हाथों मारे जाएंगे तो फिर उस अस्त्र के चलाने का क्या फायदा। दुर्योधन को ये बात समझ में आ जाती है और वह कर्ण से अमोघ अस्त्र चलाने की जिद करता है। कर्ण दुर्योधन को समझाता है, तुम घबराओ नहीं, ये कृष्ण की कोई चाल है। लेकिन दुर्योधन एक नहीं सुनता और कर्ण मजबूरन वह अमोघ अस्त्र घटोत्कच के ऊपर चला देता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लेते हैं। जय श्री कृष्ण साथियों।